नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 19 मार्च गुरुवार के दिन पाप मोचनी एकादशी है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है और इस बार पाप मोचनी एकादशी प्रारंभ होगी गुरुवार के दिन 4:26 पर सुबह के समय और 20 मार्च के दिन शुक्रवार को सुबह 5:59 पर इसकी समाप्ति होगी। दोस्तों संयोग की बात ये है कि इस बार पाप मोचनी एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है और आपको पता है कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है, इसलिए गुरुवार के दिन पाप मोचनी एकादशी पड़ने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों की समाप्ति होती है और व्यक्ति के पुण्यों में 1000 गुना पुण्य फल का इजाफा होता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, यानी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों आज हम आपको एकादशी से संबंधित ही विशेष उपाय बताने वाले हैं जिसे आप एकादशी के दिन अवश्य करिएगा, खास तौर पर वे लोग जो अक्सर पैसों से संबंधित समस्या से परेशान रहते हैं, यानी घर पर पैसा नहीं टिकता हो या फिर कर्ज की मात्रा बढ़ चुकी है, यानी कर्ज आपसे चुकाया नहीं जा रहा, तब इस केस में आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि इसके लाभ तुरंत मिलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन आप सुबह नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल स्नान कर ले, उसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु को पीले रंग के फलों का भोग लगाएं, जैसे केला संतरा इत्यादि। अब भगवान विष्णु की आरती आप कर ले। अब आपको एक लोटा लेना है, लोटे में थोड़ा सा जल मिलाकर उसमें थोड़ा सा दूध और थोड़े काले तिल मिला ले। अब अपने पास के किसी भी पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं। वहां जाकर आपको पीपल के वृक्ष के समीप एक तेल का दीपक जलाना है। दोस्तों माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए दोस्तों इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा बहुत ही विशेष मानी गई है। गुरुवार के दिन तो वैसे भी पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और एकादशी के शुभ अवसर पर पीपल के वृक्ष की पूजा करने से कई गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है। आपको अब पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा करनी है और पीपल के इस खास मंत्र को आपको बोलना है। मंत्र है दोस्तों, आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदम देहि देव महावृक्ष त्वा महम शरणम गतः। दोस्तों यह पीपल मंत्र बहुत ही खास है, इसलिए इस मंत्र के प्रभाव से असर भी बहुत जल्दी दिखता है। पूर्ण शुद्ध उच्चारण के साथ इस मंत्र का जाप करने के बाद जब 11 परिक्रमा पूर्ण हो जाए तब आपको जो आपने लोटे पे दूध और काले तिल का मिश्रण बनाया था उसको आपको पीपल के वृक्ष के जड़ पर समर्पित कर देना है, यानी पीपल के वृक्ष को आपको अर्घ देना है। अब दोस्तों जो भी आपकी धन से संबंधित समस्या थी आप पीपल के वृक्ष को बोल दें। दोस्तों इस उपाय मात्र से आपकी धन से संबंधित हर समस्या तो दूर होगी ही, साथ ही आपके घर पर साक्षात माँ लक्ष्मी का वास भी होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।